प्रथम तहलका न्यूज। फरीदाबाद में भी 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। योग शिविर में केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर मुख्य रूप से उपस्थित हुए और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा, पृथला विधानसभा के विधायक टेक चंद शर्मा, जिला उपायुक्त अतुल द्विवेदी सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने योग की विशेषताओं के बारे में बताते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में 21 जून को मनाया जाता है। आज 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जिसे भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया गया। देखिए, आज पूरी दुनिया में हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से पूरी दुनिया के देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और 21 जून पूरी दुनिया के में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाई जाती है। और आज फरीदाबाद के सेक्टर 12 के विशाल ग्राउंड में विशाल योगा दिवस योगा का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। तो आज मैं समझता हूँ अगर लोग नियमित रूप से अपने जीवन का हिस्सा योग को बना लेंगे तो अनेक तरह की बीमारियों से दूर रहेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर में बसने वाला मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा और वो देश की आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग कर सकते हैं। जिस देश का नागरिक स्वस्थ होता है वो देश उतना ही मजबूत होता है, इसलिए योगा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। अनेक तरह की बीमारियों से ये हमको सुरक्षित रखता है, इसलिए इस योगा दिवस के माध्यम से हम पूरे देश में दुनिया में ये संदेश देने का प्रयत्न करते हैं कि अगर रोगों से दूर रहना है तो योग को अपनाइए और दवाइयों से और डॉक्टरों से मुक्ति पाइए। बता दें, योग दिवस के मौके पर पूरा सरकारी तंत्र योग शिविर में हिस्सा लेने पहुंचा। प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी योग कार्यक्रम में भाग लेकर योग साधना की। योग गुरु जयपाल शास्त्री ने मंच के माध्यम से सभी को योग क्रियाएं कराई। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट। प्रथम तहलका न्यूज़।